हरियाणा के जिला सिरसा का गांव पट्टी किरपाल। आज यह गांव एकदम साफ और स्वच्छ है। समय पहले तक इस गांव में गंदगी हुआ करती थी क्योंकि ज्यादातर लोग शौच करने बाहर जाया करते थे। एक दिन डीआरडीए सिरसा की संपूर्ण स्वच्छता अभियान की टीम ने गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव वासियों को इकट्ठा करके गंदगी से होने वाली बीमारियों और परेशानियों के बारे में जागरूक किया। कुछ गांववासी स्वच्छता समिति में शामिल होकर इस बात की निगरानी करने लगे कि कोई बाहर शौच ना जाए। जो जाते उन्हें प्यार से समझाया जाता। क्या नाम है? ना अपना नाम जी चरण कौर संजय। पहले आप बाहर शौच के लिए जाते थे? हाँ जी, पहला तो जाते सी, हुन नहीं। अच्छा, अब क्यों नहीं जाते? हाँ, हुन तो नहीं जाते। नहीं जी, हुन कोई नहीं जाते, नहीं जाते कोई भी अपने घर दे विच कोई नहीं जाता। अब अपने घर में कोई खुद वाली? हां जी, कोई लगी जी। हां जी, अब तो आप घर में ही इस्तेमाल करते हो? हां जी, हां जी। आज की तारीख में आपको अपना गांव कैसा लग रहा है? हां जी, अच्छा, बहुत अच्छा जी। जी, खुश हैं आप? हां, खुश हैं। पहली बार स्वच्छता अभियान की टीम आपके गांव में आई तो कैसा लगा? उनका जी बहुत ही बढ़िया लगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया लोगों को कि जो स्वच्छता है, जो स्वच्छ रहेगा वही ठीक रहेगा, सेहत के लिए भी सही है और अस्वस्थता जो हानिकारक है वो सेहत के लिए भी खराब है और उसके लिए वातावरण भी खराब होता है। तो आपने क्या क्या काम कराया स्वच्छता में? उसमें स्वच्छता के लिए हमने जी शौचालय बनवाए, घर घर शौचालय बनाए, उसके लिए सोखता गड्ढा, पानी की निकासी की दिक्कत है हमारे गांव में, उसके लिए हमने सोखता गड्ढे का निर्माण भी करवाया जी, और गलियों की सफाई भी करवाई, और भी मतलब हरिजन बस्ती में जो हमारी अलग पड़ती है थोड़ी सी गाँव में, वहाँ भी शौचालय बनाए उनके लिए। आज की तारीख में कैसा लग रहा है अपना गांव? मेरा गांव तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और मैं यही चाहता हूं कि हमारे गांव को जो सबसे पहले निर्मल पुरस्कार मिले। क्या आपका गांव आज की तारीख में पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है? हाँ जी, बिल्कुल खुले से शौच से मुक्त है। अब कोई नहीं जाता बाहर? कोई नहीं जाता मैडम। पहले कितने लोग जाया करते थे? पहले तो बहुत जाते थे, पहले क्यों टॉयलेट वगैरह नहीं थे, फिर हमने टॉयलेट वगैरह सब बनवा दी, इसलिए अब कोई भी खुले में नहीं जाता। कैसा लग रहा है आपको अपना गाँव? बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, मतलब सरकार ने जो चलाया ये बहुत ही अच्छा किया है, लोगों में जागृति आई है, इससे भी लोगों में खुद भी उत्साह बना है, जो टीमें आती हैं गांव में उनसे भी लोगों को बहुत मतलब मिलता है सुनने को, इससे लोग ज़्यादा समझते हैं। तो आपको लगता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार भी आपके गांव को मिल सकता है? उम्मीद तो है, देखो फिर क्या बनता है, कोशिश पूरी है। हाँ जी, आज यह गाँव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है, सभी घरों में बने शौचालयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। स्वच्छता का महत्व समझ चुके गांववासी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में रहने लगे हैं। नया साल इनकी जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया है।